बिल्कुल दिमाग में रहे कंसेप्ट तभी हो पाएगा। और फिजिक्स बताएं, सही बताएं ना, फिजिक्स एक खेल है, और जो मन से खेलना जानता है ना वही खेल पाता है। सीधी सी बात है, ये नहीं कि कोई भी आया और खेल लिया, ऐसा नहीं। फिजिक्स रोज दिखती है, फिजिक्स रोज दिखती है। रोज आप कोई ऐसी एक्टिविटी बता दो जहां फिजिक्स ना इन्वॉल्व हो, उनको ऑब्जर्व करना। हम किताबों में फिजिक्स को ढूंढते हैं, इसीलिए हमें फिजिक्स नहीं आती है, जो साफ बातें हैं। अगर हम नेचर में फिजिक्स को ढूंढें तो हमें फिजिक्स बहुत मजा भी देगी, है कि नहीं है? अब देखो कितने मास हैं, एम टू एम थ्री एम दिया हुआ, एम टू एम और थ्री एम आर कनेक्टेड बाय क्या है, स्ट्रिंग। ऐसे हाईलाइट किया करो, एज सोन इन द फिगर, आफ्टर अपवर्ड फोर्स ठीक अप्लाइड ऑन द बॉडी एम, दिख रहा है, द मासेस मूव अपवर्ड एट कॉन्स्टेंट स्पीड, वॉट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक टू एम। अगर तुम कॉन्स्टेंट स्पीड से चलोगे तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी जीरो, तो इसका एक्सेलरेशन विल भी जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स विल भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो कौन सा आंसर, सी आंसर क्या है, सही खटाक से आया। चलो।